So let's completely, get this out of the way that this is a drama you should be watching. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? सबका ट्यून इन करने का शुक्रिया. अभी तक जो लोग मेरे साथ सफ़र में हैं उनका भी बहुत शुक्रिया. जल्दी से कुछ बात कर लेते हैं. काफ़ी अरसे से मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी. मेरे फादर की डेथ हो गई थी और मैं खुद भी बहुत बीमार थी, मेरे बच्चे भी बीमार थे. सो देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन माई लाइफ विच सॉर्ट ऑफ स्टॉप मी फ्रॉम मेकिंग वीडियोज़. बट इंशाल्लाह जैसे जैसे करके हम ये थोड़ा बहुत सफ़र चला रहे हैं तो हम चलाते रहेंगे. आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे. द वेदर इज़ ब्यूटिफुल अराउंड द वर्ल्ड, सो वेर एवर यू आर आई होप यूर ओके. टूडे विल टॉक अबाउट अ नाइस लिटिल ड्रामा दैट आई हैव बीन वॉचिंग एंड इट्स कॉल्ड कुछ अनकही. सो कुछ अनकही इज रिटन बाय मोहम्मद अहमद, इट इज डायरेक्टेड बाय नदीम बेग. कश फाउंडेशन के साथ ये एक ड्रामा उन्होंने अनसाम्बल, बहुत बड़ी अनसाम्बल कास्ट है उसके साथ उन्होंने बनाया है. एंड इट इज गॉट अ लॉट ऑफ ग्रेट एक्टर्स, लॉट ऑफ अमेजिंग केमिस्ट्रीज बिटवीन एक्टर्स. सो लेट्स completely, get this out of the way that this is a drama you should be watching. So that's just one thing before you, if you don't have time to watch the rest of the video, तो ये बात तो आप समझ लें कि आपने ये ड्रामा देखना चाहिए, because it's a very lovely, sweet, enjoyable sort of a show with a lot of other things coming in and going out. पहली एपिसोड जो थी वो थोड़ी सी वीक थी क्योंकि उसमें जो एक्सपोजिशन था वो ओवरडन था. बार बार एक ही बात को, एक ही कहानी को बार बार समझाया जा रहा था. लेकिन एज द टाइम वेंट ऑन तो द स्टोरी काइंड ऑफ पिक्ड अप इट्स पेस, द सिचुएशंस पिक्ड अप देयर पेस एंड देयर वर मोर थिंग्स दैट वर ऑफर्ड टू द ऑडियंस इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट अबाउट द कैरेक्टर्स, अबाउट देयर जर्नीज एंड अबाउट देयर पिटफॉल्स. सो नाउ द पेस इज रियली गुड बिकॉज यू गॉट समथिंग न्यू इन एवरी कैरेक्टर. पहले जो वही उनके घर का मसला या उनकी शादी का मसला वो काफ़ी रेपिटेटिव हो गया था. सजल अली और बिलाल अब्बास की जो केमिस्ट्री है वो बड़ी विनिंग केमिस्ट्री है. छोटे छोटे मोमेंट्स भी वो इतने अच्छे बना देते हैं जो कि आई थिंक पेपर पे भी इतने मज़े के नहीं लगते, लेकिन जब वो उसको लाइफ देते हैं तो वो एक कमाल का मज़ा आता है वो सीन्स देख के. सिमिलरली और भी बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं ड्रामे के अंदर जो कि अपने बिहेवियर से या अपने छोटे छोटे नुआंसेस से वो किरदार को बहुत बहुत पावर दे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल मीरा सेठी का बड़ा जेंटल सा कैरेक्टर है, लेकिन क्योंकि वो उसी टोन को वैसा ही रखा हुआ है, उन्होंने उस कैरेक्टर को वैसा ही रखा हुआ है, सो इट मेक्स दैट इम्पैक्ट. वनीज़ा अहमद ने रिसेंटली एंट्री की है. इरशा गज़ल जो है वो एक टिपिकल माँ बनी हुई हैं जो कि एक हमारी एक देसी माँ होती है. सिमिलरली शहरयार मुनव्वर भी हैं, उनका एक एलूसिव सा कैरेक्टर है. फिलहाल कोई इतना ज़्यादा उसकी प्रेजेंस नहीं है शो के अंदर, लेकिन वो भी बड़ा अच्छा, उनका एक चार्मिंग सा शेडोई सा उनकी फील है. सो लेट्स होप कि वो इसको जारी रखेंगे. ड्रामा ओवरऑल जो है एक मज़ेदार ड्रामा है. आई थिंक इसमें कुछ सोशल मैसेजेस तो हमें मिलेंगे ही लेटर ऑन, क्योंकि कश फाउंडेशन हमेशा कोई ना कोई मैसेज ओरिएंटेड ड्रामा बनाता है. लेकिन अभी जो दो तीन मैसेजेस हमें दिखे हैं उसमें फैट शेमिंग है, उसमें एज शेमिंग है, उसमें ऑब्वियसली इस तरह की और भी पॉइंट्स हैं कि ख्वातीन क्या काम कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती. जिन फैमिलीज़ में बेटे नहीं होते तो वो फैमिलीज़ कैसे सर्वाइव करती हैं, एक इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंट औरत को किस तरह के पिटफॉल्स फेस करने को मिलते हैं. व्हाट्स रियली ग्रेट इज दैट इट डज मेक ऑल ऑफ दोज पॉइंट्स, बट इट्स ऑल्सो अबाउट कि लिसन, सर्वाइवल इतना भी मुश्किल नहीं है, और सर्वाइव कर रही हैं लड़कियाँ और अच्छी सी जिंदगियाँ भी जी रही हैं और कॉन्फिडेंट इंडिपेंडेंट तरीके से जी रही हैं, विच इज़ वॉट आई लाइक. बिकॉज यूजली एनजीओ जब कोई चीज बनाती हैं तो जुल्म की दास्तान ऐसी शुरू होती है पाकिस्तानी औरत के बारे में कि वो खत्म होने का नाम नहीं लेती. लेकिन ये कि अब थैंकफुली ये ड्रामा उस पिच पे नहीं है, उस टोन में नहीं है. ऑल दो कुछ चीजें उसमें वैसी हैं, बट वो एक रियलिटी है बिकॉज मिसोजिनी इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम. सो इट्स नॉट लाइक अरे लोग कहें जी पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं. देखिए जी कोई प्रॉब्लम होगी तो पाकिस्तान में जो हैं प्रॉब्लम्स, रियलिटीज हैं, उनको हम फेस करते हैं एज औरत या एज खातून फेस करते हैं, तो उसके बारे में हम आवाज भी उठाते हैं. लेकिन हाँ, कुछ औरतें हमसे बहुत ज्यादा डिसएनफ्रेंचाइज्ड हैं, उनकी कहानियां हमारे जैसी नहीं हैं. हमें वी वर लकी इनफ टू गो टू स्कूल एंड गो टू यूनिवर्सिटीज एंड हमें वो एक्सपोजर मिला. बहुत सारी औरतों को नहीं मिलता है, बहुत सारी औरतों को जिंदगी में वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, तो उनके ऊपर भी कहानियां बनती हैं. लेकिन क्योंकि देर हैव बिन वन टू मेनी ऑफ दोज एंड देन अ लॉट ऑफ पीपल एक्सप्लॉयड दीज स्टोरीज इज वेल, विच इज वेरी सैड. क्योंकि बजाय इन औरतों की मदद करने के, वो ये एनजीओ वाले जो कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ अनासर ऐसे हैं जो अपनी जेब में पैसा भरना शुरू कर देते हैं.
तो ये ऑब्वियसली करप्शन है और गलत है, लेकिन जो एक्चुअली में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो कि वाकई बड़ी अच्छी हैं, कश फाउंडेशन इज आई थिंक वन ऑफ दोज वेरी गुड एनजीओज, जहां तक अभी मैंने जितना भी उनका काम देखा है वो वाकई बड़ा सही काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं फिलहाल तो, जितना मैंने देखा है। आगे अल्लाह ताला सबको तौफीक दे के वो अच्छा अच्छा काम ही करते रहें। सो दिस वन ऑल्सो लुक्स रियली नाइस, इट लुक्स रियली गुड, द प्रोजेक्ट लुक्स रियली गुड, एंड आई लाइक द फैक्ट दैट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट वोमन एट द सेंटर ऑफ द स्टोरी, एंड देयर इज अ वेरी नाइस, जस्ट अ नाइस बॉय, ही इज जस्ट अ नाइस बॉय, देयर इज नथिंग ईविल एंड हॉरिबल अबाउट हिम सो फार। सो बिलाल अब्बास इज सच अ फैंटास्टिक एक्टर, एंड हिम एंड सजल, दे जस्ट मेक सच अ क्यूट पेयर, एंड आई रियली लव देयर केमिस्ट्री। एंड देन मोहम्मद अहमद साहब हैं, बनीजा हैं, इरशा गजल हैं, सो मेनी अदर ग्रेट एक्टर्स आर देयर इन द शो। सो ऑल ऑफ दैट इज डन रियली रियली वेल, रियली नाइसली एग्जीक्यूटेड बाय नदीम बेग। सो I really can't wait to see the rest of the episodes. I know that you guys are also waiting to watch them all. तो देखते हैं साथ और बात करते हैं इसके ऊपर। आई होप कि इंशाल्लाह हम जल्दी जल्दी बात करते रहेंगे। आप लोग बताएं आप लोग कौन सा ड्रामा देख रहे हैं, वॉट ड्रामा वुड यू लाइक मी टू लुक एट एंड रिव्यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ज़रूर मुझे बताइएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, खुदा हाफिज़।